ऐसा है मेरे भाई तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके उनकी उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके घर इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कतलखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनीसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब पिछड़े शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं, तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग इस दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था, 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहाँ पर करके गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जिस कांग्रेस के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो ना बता।